और द्राटी को भी थोड़ा पहनना कर लेती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। बाकी देखिए, सुबह हुई है बहुत ही अच्छी। और आज के वेदर की बात की जाए तो बाहर लगी है बड़ी तेज़ की धूप, तो गर्मी भी आज दिन को ऐसी होगी बहुत तेज़। बाकी काम की बात की जाए तो काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। खाना बनके मेरा रेडी है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो आज मैंने जो है खाने में बनाया है माँ की दाल और साथ में चावल। बाहर आके धूप तो आप देख ही रहे होने, इस टाइम ऐसा होता है धूप सुबह सुबह तेज़ लग जाती है तो आंखें भी नहीं खुलती है, एकदम से अंदर से आते हैं तो फिर ऐसा होता है। बाकी गाइज, मम्मी जी तो है नहीं घर में, पापा है अभी, पापा जी भी खाना खाएंगे और चले जाएंगे ड्यूटी। बाकी मम्मी जी जो हैं गए हैं अपने मायके, क्योंकि मम्मी जी के ताऊ की डेथ हो गई है, तो चलो अब क्या कर सकते हैं। बाकी 4-5 दिन हो गए उनको गए हुए, तो वो आ जाएंगे, पता नहीं कब तक आएंगे। एंड व्लॉग जो भी पढ़ रहे थे तो वो थोड़ा डिले करके पढ़ रहे थे, क्योंकि घर तो मैं कब की आ गई हूँ। बस अब कल से जो भी पढ़ेगा वो रेगुलर तरीके से होगा, मतलब डिले वाला नहीं होगा। स्कूटी का टायर पीछे वाला जो कि बिल्कुल बेकार हो गया था, तो कल जो है इसको भी नया टायर डलवा दिया है। एंड कार को तो वहाँ पे काफ़ी धूप लगी है बेचारी को, इसलिए पेड़ के नीचे खड़ा कर रहा है, मतलब फिर छांव आ जाती है तो इधर ये सेफ होती है, नहीं तो ऐसा होता है कि धूप में कलर उड़ जाता है कार का। फिलहाल ठीक है। वैसे तो अभी शाम का टाइम हो गया है पर धूप इतनी तेज़ है ना, 6 बजने वाले हैं, फिर भी पूछो मत। बाकी दिनों को तो वैसे ही इतनी धूप गर्मी तो रूम के ही अंदर। बाकी अभी निकली हूँ बाहर, तो अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ा पशुओं के पास। जैसा कि मम्मी जी घर पे नहीं है तो इस डिपार्टमेंट का काम भी आजकल मेरे ही पास है, तो अभी मैं और चाची जी जा रहे हैं घास लाने। तो इधर नीचे ही मतलब नज़दीक ही खेत है, वैसे हमारे सारे खेत ही लगते लगते हैं। देखिए ये भी नीचे को और पड़े वाली साइड को भी है, तो घास हम उधर से लाएंगे। चाची जी चले गए तो मैं भी उठाती हूँ अपना टोकरू और द्राटी, तो चलते हैं। बाकी पहले गाय को देख लेते हैं कि वो क्या कर रही है अंदर। हेलो, तो ये घास खा रही है, अब खाओ तब तक मैं और लेके आती हूँ। चलें फिर। और द्राटी को भी थोड़ा पहनना कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नीचे घास काटते वक्त बड़ी दिक्कत आती है, तो इसमें करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो चलो आज आप कितना घास लाने वाले हो? पहुंच गए खेतों में गाइज, और चाची जी आज बोल रहे और नीचे आ गए हम कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, पहले हम जो ऊपर वाला खेत है 3-4 दिन वहीं पे काटा हमने, पर वहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा था, यहाँ पे बड़ा बड़ा घास है तो आसानी रहेगी। तो ओके, करते हैं शुरू फिर। आधा घास हो गया है, बाकी आधा थोड़ा सा और काटना है। बाकी इस टाइम यहाँ पे इतने मच्छर होते हैं ना, ये देखिए मतलब खा जाते हैं, ऐसे थोड़ी देर बैठ जाओ तो मच्छर बुरी हालत कर देते हैं। तो फटाफट काटते हैं घास फिर चलते हैं घर को। तो ये गाइस, मेरे 5 पुल्ले कंप्लीट हो गए। अभी चाची जी उसको बांध रहे हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े पुल्ले हैं ना चाची जी। तो चलिए मेरी तारीफ में 2 शब्द कहिए। बहुत ज्यादा फुर्मी वो हुई। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत ही प्यारी सी सुबह होगी है तेज धूप के साथ बाहर। और अभी हमारा खाना वाना बन के खा के हम फ्री हो गए हैं, तो आज मैं और चाची जी जा रहे हैं नानी के घर। जी हाँ, क्योंकि हमें ऐसा बिंदी लगानी है आज सिंदूर, तो जैसे किसी की डेथ होती है ना तो हमारे यहाँ बोलते द्वाल करते हैं,
तो आज बस वही सब काम करना है। तो फिलहाल बाहर फूल मंगवाए हैं, थोड़े से फूल तोड़ लेती हूँ मैं। एंड लाइट आज सुबह सुबह ही चली गई है, पता नहीं कब तक आएगी, तो फूल तोड़ लेती हूँ, फिर क्या पता थोड़ी देर बाद आ जाए, या लंबा कट भी हो सकता है क्योंकि 9 बजे की चली गई है, तो ऐसा होता है कई बार। फिर तो शाम के टाइम ही आती है 5 बजे, देखते हैं क्या होता है। पहले फूल तोड़ लेती हूँ। तो रेडी हो गए हैं हम, और धूप इतनी तेज है कि पूछो मत, बट चलो क्या कर सकते हैं, चलते हैं अभी। तो पहुंचने वाले हैं गाइस अभी हम नानी के घर में। बाकी स्कूटी हमने उधर पक्के वाले रोड पे ही लगा दी, क्योंकि ये वाला रोड भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना तो हमारा रोड भी नहीं है, तो हमने सोचा कि ऐसे ही क्यों रिस्क लेना, चलते हैं। बाकी बस पहुंच जाएंगे अभी, फिर वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, थोड़ा बस, फिर शाम के टाइम चलेंगे घर को वापस। और धूप तो आप देख ही रहे होंगे, फेस कवर कर रहा है बट फिर भी पूरा लाल हो गया। बहुत तेज धूप है। इस पहुंच गए अभी हम घर, और गए थे नानी जी के घर में, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और फिर लास्ट में खाना खाया और आ गए। फिर पापा जी भी आ गए थे, तो हम तीनों फिर आ गए घर वापस। बाकी मम्मी तो अभी ऊपर हैं, वो आएंगे अभी बाद में। और अभी देख लिए, बिंदी भी लगा ली और साथ में सिंदूर भी। तो बस 5 दिन का किया था हमने, और फिर अभी खा ली मतलब प्याज और लहसुन वाली सब्जी। तो साथ में करते हैं अब इस वाले व्लॉग का एंड भी। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर, कमेंट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।